मनाया जाता है, यहाँ भी मनाया जाता है। तो पंडित जी, यहाँ की एक और मान्यता है कि यहाँ पर जो भी मुरादें। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो मैं हूँ मोहित शुक्ला, जो आपके सामने हूँ। सो अभी आपको मैं ले चलूंगा आज काफी जगह है घुमाने के लिए। आज सबसे पहले तो उठकर नाश्ता करेंगे, उसके बाद जाएंगे जिम। जिम जाने के बाद आपको सीधे ले चलता हूँ आज एक बहुत ही प्यारी जगह, वहाँ हम आपको लेकर चलेंगे, जो कि MP में है और रीवा, और वहाँ खंडो आपको आज घुमाने ले चलूंगा मैं। आज वहाँ के सारे व्यू दिखाऊंगा, वहाँ की कई सारी ऐसी बातें जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज हमारे साथ इस ब्लॉग पर आप बने रहिए, आज हम आपको एक बहुत ही प्यारी और अच्छी जगह ले चलते हैं। ओके, सो बाय और मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है। सो जैसा कि हम पहुंच चुके हैं जिम, जिम में आज सबसे पहले वर्कआउट कंप्लीट करते हैं। वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद अपनी डाइट ऐड करते हैं, और डाइट ऐड करने के बाद निकल जाते हैं सीधे खंडो के लिए। तो आज वहाँ पहुँच, उस रोड से जाते हुए और रोड से निकलने के बाद रास्ते को थोड़ा इंजॉय किया मुसाफिरों की तरह, और फिर सीधे चलते हुए पहुंच जाते हैं खंडो। और वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले देखिए यहां जो छोटी छोटी दुकानें हैं, ये जो ग्रह दिखा रहा हूं मैं, ये है जहां अपन भंडारा वगैरह कर सकते हैं। तो जैसा कि हम पहुंच चुके हैं खंडो, और काफ़ी लोग दिखे भी हमें, लेकिन उनको इग्नोर करते हुए हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और काफ़ी अच्छा व्यू आप देख सकते हैं हमारे पीछे, और ये भी यहाँ काफ़ी मज़ा भी आ रहा है, लग रहा है कि ऐसे बैठे रहो। आप भी देखो, कभी यहाँ लेटने का मन कर रहा है एकदम इन चट्टानों में। अभी आपको ले चलता हूँ सीधे माता रानी के मंदिर पर, वहाँ भी काफ़ी शानदार मज़ा आने वाला है हमको। और जैसा कि हम शुरू से यहाँ इंजॉय ही कर रहे हैं, और पहुँचने के बाद ही काफ़ी मज़ा आया था मुझे, ये जैकेट गर्मी लग रही थी इसलिए उतार दिया था। और धीरे धीरे हम बढ़ते हुए आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भी एक चीज़ है जो जिसके बारे में हमें कुछ ये बताएंगे भैया। ये ऐसी घास है, अभी सूखी हुई दिखाई दे रही होगी जी जी को, और जब ये पानी में जैसे ही डालेंगे ना तो ग्रीन कलर की हो जाएगी ऑटोमेटिक अपने आप। क्या बात है, मंदिर सामने दिख रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। इसमें शंख बनी हुई है, एक सेकंड दिखा देता हूँ, ये देखिए एकदम शंख की डिजाइन दिख रही है। कि जैसा कि मैं आपको भी दर्शन कराने वाला हूँ माता रानी के, सो भी आपको मैं सामने दिखा रहा हूँ कहाँ पहुँच चुके। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ भंडारे के भी आयोजन है, और उसके बाद फिर यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ माता रानी के दर्शन के लिए। सो गाइस अब हम पहुँच चुके मंदिर के अंदर, ये हवन कुंड है, और ये माँ माता रानी की चरण पादुका। और अब मैं आपको आरती के बाद माता रानी के दर्शन कराऊंगा और पंडित जी से बात। सबसे पहले पंडित जी आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। मेरा विनोद कुमार विश्वकर्मा नाम है जी। तो जैसे कि ये काली जी की मंदिर जो है, मूर्ति बहुत ही प्राचीन है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और मूर्ति भी प्राचीन मूर्ति है। अब इसमें राजा कौन से राजा निर्माण करवाए, ये तो पुरातत्व विभाग में जानकारी मिल सकती है। और ये महाराजा गुलाब सिंह पे आमने सामने बातें होती थी माता जी की। तो जैसा साथियों मैंने आपको दिखाया पंडित से बात कर, और फिर उसके बाद ये देखिए बाहर की जो मंदिरें हैं उनके भी दर्शन मैं आपको कराऊंगा, और फिर धीरे से बढ़ते हुए आगे कुंड की तरफ चलते हैं। और ये जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये कुंड है जो कि काफ़ी जाना माना इसे कहते हैं, और इस कुंड का नाम महिषासुर कुंड पड़ा है, और ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सिधर साइड का शानदार व्यू लग रहा है। कभी आपको प्री वेडिंग शूट करानी हो तो ये इससे प्यारी जगह मुझे नहीं लग रहा कि रीवा के अंदर है कोई। आइए कभी यहाँ घूमने, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। ऊपर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि थक गया हूँ मैं, अब यहाँ से उतरते हैं। अब हम आपको वो स्थान दिखा रहे हैं जहाँ सारा कचरा वगैरह जलाया जाता है, फिर उसके बाद वहाँ का साइड व्यू लेते हैं और पूरे मंदिर का दिखाते हैं, और फिर कुछ बातें लिखी रहती हैं जिनका हमें ध्यान रखना है विशेष, इसलिए भी मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप भी कभी जाओ तो वहाँ इस बात का ध्यान रखो। फिर उसके बाद वहाँ का और जो भी पर्वत वगैरह रहती हैं वो सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ आपको। काफ़ी खूबसूरत चट्टानें वहाँ हैं जो कि काफ़ी प्यारी लगी। फिर वहाँ से हम निकलते हैं, वहाँ से निकलने के बाद तुरंत ही वहाँ साइड में हनुमान जी की मूर्ति रहती है, और बिना हनुमान जी के दर्शन किए कैसे जा सकते हैं हम। सो उनके दर्शन करते हैं, और उनके दर्शन करने के बाद पहुँच जाते हैं सीधे अपनी बाइक के पास, और फिर वहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। एक काम करो, डाल दो गाड़ी, कोई है यहाँ पर मना करेगा तो रोक लेंगे। एक छोटा सा कह सकते हैं, एक छोटा सा महल जिसे छोटा महल भी कहते हैं। सो वहाँ के जंगल से जाते हुए हम पहुँच जाते हैं सीधे छोटा महल, वहाँ बच्चे भी रहते हैं, बच्चों से हम थोड़ी बात देखते हैं, और उन्हें वो लौट रहे होते हैं, तभी हमको लगता है कि शायद हम इसके अंदर जा पाएंगे या नहीं। लेकिन फिर गार्ड अंकल से बात करने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि वो हमको अंदर लेंगे। तब हम अंदर जाते हैं, और अंदर जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ कितना खूबसूरत है ये, और वहाँ हमें इतना एक वृक्ष मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा,
उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ एक छोटी सी जो ये बनी हुई है, एक कह सकते हैं डिज़ाइन, ये सामने वाले महल की जो हम आपको दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद वहाँ हम काफ़ी घूमते हैं साइड से और बहुत ही प्यारा लगता है। बताते हैं कि यहाँ राजा जो मार्तंड सिंह थे वो यहाँ आकर बैठते थे और यहाँ अपना जब भी उनको फ्री टाइम मिलता था तो अपनी शांति, मन की शांति के लिए यहाँ ज़रूर आते थे। और फिर वहाँ यहाँ से निकलने के बाद हम वहाँ देखते हैं कि साइड में एक शिवजी की प्रतिमा दिखती है जो कि बिल्कुल मुझे काशी जैसे लगती है, काशी के विश्वनाथ जैसे। तो हम वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी आपको लेकर चलेंगे, बस थोड़ा थोड़ा व्यू आप देखते जाइए और ध्यान में इन चीज़ों को रखिए। सो फिर यहाँ से हम निकलते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधे वहाँ दर्शन कराने के लिए और उनके दर्शन करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा और आपको भी एक साइड से दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ जो गार्डनिंग वगैरह और सामने बांधवगढ़ डिज़ाइन की गई जो बांधवगढ़ का किला है। सो उनके बाद वहाँ ले चलते हैं। कहते हैं कि इस कुंड पे फूल और कमल लगाते थे ऐसा कहा जाता है, बाकी ज़्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं है। फिर हमने देखा कि वहाँ ये बहुत ही प्यारा लगा, ये सोचा कि आज से 90 साल पहले कैसे दिखता होगा जो ये डिज़ाइन की गई, बहुत ही खूबसूरत लगी। उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। देन यहाँ से निकलने के बाद हम आपको साइड में दिखाते हैं जहाँ राजा जी का एक तालाब है, उस तालाब में रानी और राजा दोनों लोग स्नान भी करते थे और नाव से घूमने भी जाते थे, ऐसी मान्यता है, ऐसा सुना भी है वहाँ के जो वहाँ रह रहे हैं गार्ड अंकल उनके द्वारा। वहाँ ये रेड जहाँ तक निशान था वहाँ तक पानी रहता है, ये था एक तैराकी ऐसा कहते हैं कि बनाया गया था। उसके बाद हम आपको उनकी प्रतिमा दिखाते हैं और डायरेक्ट चल रहे होते हैं। ये देखिए कैसे उनकी प्रतिमा बहुत ही अच्छी लगी मुझे और क्या शानदार प्रतिमा लगी, मज़ा ही आ गया देखकर और बहुत ही खूबसूरत कह सकते हैं, देखने में जितनी तारीफ़ की जाए कम लगती थी। फिर वहाँ उनकी प्रतिमा देखने के बाद वहाँ से हम निकलते हैं खाली होकर और फिर वहाँ से विदा लेते हैं और थोड़ी बात करते हुए निकल आते हैं वहाँ से और मस्ती करते हुए पहुँच जाते हैं सीधे रीवा। रीवा पहुँचने के बाद फिर वहाँ से थोड़ी काम रहता है और भूख लगी होती है इसलिए आ जाता हूँ घर और घर आने के बाद खाता हूँ खाना। सो है गाइस, खाना पीना कम्प्लीट कर आ चुके हैं रूम पर, अब करेंगे आराम, दिन भर से थक चुके हैं। सो आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीडियो को अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, आप लोग का सपोर्ट बस चाहिए और कुछ नहीं, बस इतनी ही आप लोगों से प्रार्थना है, बस और कुछ नहीं। सी यू, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और इसी तरह हमारा साथ दे रहिए। सो बाय।